अरे रुको तो, अरे अब इंतजार नहीं होता, और कितना सब्र करवाओगी? विनय बाबूजी जाग रहे हैं, उनको जूस दे के आती हूँ। पूरी रात पढ़िए विनय, प्यार करेंगे। जाओ करो बाबूजी की सेवा, मैं तो फालतू हूँ ना। अरे तुम तो नाराज हो जाते हो, जूस पियो। मैं आती हूँ। हाँ बाबूजी को जूस दे। क्या हुआ? बहू को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? वो अच्छी तरह जानती है कि इंतजार करना मुझे पसंद नहीं है। लगता है बहू आ गई। आओ बहू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने वो काम कर दिया ना जो मैंने कहा था? हाँ बाबूजी, मैंने विनय के जूस में वो दवा मिला के उनको पिला दिया। वो सुबह से पहले नहीं उठेंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया। अब हम लोग रात भर मजे करेंगे। हाँ बाबूजी, मजे लेने के लिए तो अपने पति को नशा करवाया है। जूस पीजिए। बहू, ऐसे तो तुम मुझे पहले ही थका दोगी। लेकिन हम भी ऐसे ही मानने वाले नहीं हैं। अच्छा देखो तो जरा क्या करते हैं आप। बाबूजी, बाबूजी, क्या हो रहा है आपको? बाबूजी, 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 विनय, 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 तो नीतू की आवाज है, क्या हुआ? विनय, देखो क्या हो गया बाबूजी को। विनय, विनय देखो ना क्या हो गया बाबूजी को। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, ये जूस पियो और गिर गए। हेलो डॉक्टर साहब, फौरन निशिगंधा निवास में पहुंचिए, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है। जी डॉक्टर साहब। एक घर में एक नीच हरकत होती है जो समाज में अपनाने योग्य नहीं है। एक उम्र दराज आदमी अपने से आधी उम्र की लड़की को छेड़ता है जो शादीशुदा है और उससे कम उम्र की है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कुकर में उस लड़की की भी सहमति है। ऐसा करते हुए अचानक उस आदमी को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या ये महज एक दुर्घटना है या फिर एक सोची समझी साजिश? नमस्कार, मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम की दुनिया में। कब और कैसे इस घर में अवैध संबंध की कहानी शुरू हुई, आइए देखते हैं।
हेलो, हाँ सर, हार्डली आधा घंटा लगेगा सर। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा जी सर। नीतू, नीतू, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा लंच लेकर आओ। आई, ये लो आपका लंच। क्या कर रहे हो जी अंदर? और अब देरी हो रही आपको? बाय। बहू, बिना ऑफिस गए? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी गार्डन में वॉक करने जा रहा हूँ। वो मेरे दोस्त थे ना घनश्याम जी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत सीरियस थे, अभी डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आ गए हैं। सोच रहा हूँ लौटते वक्त उनको देखता हुआ उनके घर से आऊंगा, आराम से आऊंगा, ख्याल रखना। हेलो विकी, कहाँ हो तुम? सुनो ना, घर पे कोई नहीं है, बाबूजी वर्क पे गए और विनय ऑफिस। जल्दी आ जाओ, खूब मजे करेंगे। हाँ ओके। अरे अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया, जूस वाले को पैसे कैसे दूंगा? हाँ पहले पर्स लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद देता हूँ। जानते हो विकी, इतने महीनों में ना तो विनय को मेरे पर शक हुआ और ना बाबूजी को। एक बात में बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ससुर है ना, इसलिए ठीक आदमी नहीं लगते हैं। वो ठरकी बुड्ढा मुझे देख के हमेशा अपनी लाट टपकाता रहता था। ओफो, इतने रोमांटिक माहौल में उस बुड्ढे के बारे में क्यों बात कर रही हो? तो हमारे बारे में बात करो ना। अरे बाबूजी, आप कब आए? आप तो घनश्याम अंकल के यहाँ गए थे ना? नहीं बहू, मैं घनश्याम के यहाँ नहीं गया। अच्छा हुआ नहीं गया, नहीं तो मैं एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म नहीं देख पाता। तुम देखना चाहोगी वो फिल्म? हाँ क्यों नहीं, कौन सी फिल्म? ठीक है पहले तुम देख लो, उसके बाद विनय को दिखाऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये वीडियो मैं
ठीक है, तुम कह रही हो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं आपकी हर शर्त मानूंगी बाबूजी। अब से तुम्हें मेरी जान बनकर रहना होगा। बाबूजी, मैं आपकी ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर, सब समझता हूं तू कैसी है। चुपचाप वही करना जो मैंने कहा, वरना तू समझ गई ना तेरा क्या हाल होने वाला है। रात में मेरे पास आ जाना, तब जाओ। सुन, ये दवा है, मेरे पास आने से पहले विनय को जूस में मिलाकर पिला देना। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन इस दुर्घटना का सच सिर्फ और सिर्फ नीतू और विकी जानते थे। आगे क्या होता है कहानी में, आइए देखते हैं। विकी, वो बुड्ढा मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ तुमने मेरी हेल्प की, ये तो उसकी गुलाम बन के रह जाती मैं। तुम्हें उसकी गुलामी से बचाने के लिए लैब से जहर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने अपने रास्ते का कांटा सदा के लिए निकाल दिया है, और अब दोनों हम खूब ऐश करेंगे, और हम दोनों पे किसी को शक भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। नहीं, मेरे बाबूजी के कातिल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है। इनके पास सबूत क्या है कि इनके बाबूजी को हमने मारा है? और क्या मैम, विनय ने जो ये दवाई की शीशी दी थी ना, इसे मैंने डॉक्टर से चेक करवाया है, तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि इसमें जहर था। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबूजी इतने हट्टे कट्टे थे, रोज मॉर्निंग वॉक जाया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, उन्हें अचानक से अटैक कैसे आ गया? शीशी हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। दरअसल बाबूजी के कमरे में एक शीशी मिली है, शायद हमें उससे कुछ सुराग मिल जाए, बाबूजी के हथियारों का पता चल जाए। हाँ प्लीज, जितना जल्दी हो सके मिलिए। जी अब ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। कांस्टेबल लेके जाओ इसको। चलो रजत। दोस्तों, इस कहानी में नीतू को अगर अपने ससुर की नीयत पर शक था तो वो अलग रह सकती थी, लेकिन शादी के बाद अवैध संबंध बनाना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। नीतू और विक्की ये सोचकर बेफिक्र थे कि उनका अपराध किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। विक्की और नीतू दोनों की प्लानिंग बहुत ही तगड़ी थी, लेकिन फिर भी वो पकड़े गए। इसीलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपराध का रास्ता ना चुने, वरना अंजाम नीतू और विक्की जैसा होगा। फिर मिलूंगी आपसे यही क्राइम की दुनिया में एक रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
आज मैं तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। जो अच्छे अच्छों ने नहीं कर पाया वो तू करके दिखाएगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मेरी शक्ल ही ऐसी है। आरती मेरी पत्नी है और तुझे बोलने से पहले ये सोचना चाहिए। तू अपने पति को भी नहीं पहचान रही है? पति? कौन पति? कैसा पति? लगता है तेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है।